नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों आज अपन बात करेंगे मेडिकल यानी पैरा मेडिकल में निकली भर्ती के बारे में। इसमें काफ़ी सारे पद हैं, ANM के हैं, GNM के हैं और स्टाफ नर्स के हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी कैटेगरीज में यहाँ भर्ती निकली हुई है। तो पूरी डिटेल्स अपन देख लेते हैं कि किस पद पर कितनी वैकेंसी है और इसके लिए क्या क्या योग्यताएँ चाहिए। आप वीडियो को पूरा देखें, इससे पहले यार उस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अपन बात कर रहे थे पैरामेडिकल में निकली भर्ती के बारे में। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये भर्ती जो निकली है NHM के थ्रू निकली है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें निकली हुई है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं जो है पदों की। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो ANM और स्टाफ नर्स के हैं। तो ANM की बात करें तो 1851 कुल पद हैं और स्टाफ नर्स की बात करें तो 1128 हैं। और वैसे कुल पदों की बात करें सभी कैटेगरी को मिला करके तो जो पदों की संख्या है वो 10,000 से भी ऊपर जा रही है। इसमें मुख्य पद ANM, GNM, स्टाफ नर्स, इसके अलावा जो है फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन, नर्स मेंटर, ऑप्थोल्मिक असिस्टेंट और नर्सिंग इंचार्ज जो होते हैं उनके पदों की संख्या यहाँ काफ़ी अच्छी है। अब सबसे ज़्यादा पद जो हैं ANM के हैं और स्टाफ नर्स के हैं, तो इसकी योग्यता अपन पहले देख लेते हैं। तो देखो ANM के लिए आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है ANM का किया हुआ होना चाहिए, और इसी प्रकार GNM का है तो GNM वाला डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, और स्टाफ नर्स की बात करें तो उसके लिए भी आपको ANM का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। अब डिप्लोमा के बाद जो स्थिति आती है, डिप्लोमा किए तो बहुत लोग मिल जाएंगे लेकिन जब भर्ती होती है तो इसमें एक चीज़ बहुत मेन है वो आप समझ लें, अगर वो नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट तो आपका भर्ती में शामिल होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको डिप्लोमा की ज़रूरत तो है ही, इसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट है, आपने जो डिप्लोमा किया हुआ है वो या तो GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना जरूरी है, या फिर आप स्टेट काउंसिल ऑफ नर्सिंग है वहाँ से आपके जो डिप्लोमा डिग्री है वो मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। तो इसके बिना आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे, और अगर आवेदन कर भी देते हैं तो आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। शामिल हो भी गए तो आपको इसमें पोस्टिंग नहीं मिलेगी क्योंकि ये मामला आपका यहाँ अटक सकता है। यानी कि डिप्लोमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो चाहे आपके स्टेट यानी उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से, आपको जो है रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा और नंबर भी आपको बताना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ एज लिमिट की। तो एज लिमिट काफ़ी अच्छी है, चूँकि भर्ती NHM की है, पैरामेडिकल स्टाफ की है, ये स्थायी नहीं होती लेकिन सरकार चाहे तो उनको स्थायी कर सकती है। अक्सर देखा गया है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको सरकार स्थायी कर ही देती है, तो आप उम्मीद से भरे होकर इस एग्जाम में आपको बैठना है। अपन एज लिमिट की बात कर रहे हैं तो देखो जनरल की जो एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष है, और जनरल में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी उम्र जो है वो 18 से 50 वर्ष है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो आयु सीमा है वो 18 से 43 वर्ष है, और इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी उम्र जो है 18 से 53 वर्ष है। अब हम बात करते हैं ST और SC की, तो आयु सीमा 18 से 45 साल है, और अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड इस कैटेगरी के हैं तो उनकी उम्र है 18 से 55 साल। ये हुई बात एज कैटेगरी की। अब देख लेते हैं फॉर्म। तो फॉर्म इसके भरना शुरू हो गए हैं, 18 दिसंबर से आप भर सकते हैं फॉर्म, और जो लास्ट डेट है वो 7 जनवरी इसकी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम की। तो इसका एग्जाम है वो 20 जनवरी को टेंटेटिव है, खास करके स्टाफ नर्स और ANM का, यानी कि जरूरत नहीं है कि वो एग्जाम 20 जनवरी को हो जाए, लेकिन 20 जनवरी को ये संभावना जताई जा रही है कि इसका एग्जाम 20 जनवरी को हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में पूरी भर्ती की जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि सूचना पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।